हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। एंड डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस वंस अगेन। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ही लेकर के डिस्कस किया था, बट ये जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें हमें प्रॉफिट भी निकालना है, लॉस भी निकालनी है, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस भी जानना है, सेलिंग प्राइस भी जानना है, कुछ मिक्स इसमें रहेंगे क्वेश्चन जो हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करके और ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। हमने बोर्ड पे ऑलरेडी एक चार्ट को ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि हमारे समय बचे और हम पूरा का पूरा जो भी टाइम है हमारा वो हम इसको समझने में कवर कर दें। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है उससे जो क्वेश्चंस है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो वेरी वेल, फाइंड प्रोडक्ट लॉस आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट ओनली लॉस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस। चार्ट देखिए, फर्स्ट कॉलम हमने इसको फाइव कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। The first is cost price, second by this, second and third जो है वो थोड़ा different है। क्या है? Overhead charge and actual CP. What do you mean by actual CP? And what do you mean by overhead charge? ये देखिए, actually हम cost price को ही CP मानते हैं। तो actual CP क्या है भाई? कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, या बहुत सारे टैक्स लगते हैं। कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगा रहता है और उस टैक्स का मूल्य जोड़ करके ही हम उसको खरीदते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर किसी वस्तु की 160 है और ओवरहेड चार्ज 28 है, मीन्स आउटसाइडर चार्ज लगे हैं वो है 28 रुपीज। अब इन दोनों को कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को हम ऐड कर देंगे तो हमें एक्चुअल सीपी मालूम हो जाएगा। और जब हमें सीपी मालूम हो जाता है और सेलिंग प्राइस भी मालूम है और कॉस्ट प्राइस भी मालूम है तो हम आसानी से जान सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इसमें हमें इस चार्ट में हमें देखेंगे हमें एक्चुअल सीपी मालूम नहीं है पूरे चार्ट में। इसमें हमने क्वेश्चन फोर पूछा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है फोर, इसमें हमें फोर क्वेश्चन है और फोर क्वेश्चन में हमें एक्चुअल सीपी पता नहीं है। एक्चुअल सीपी हमें निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को ऐड करना होता है। वो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा एक्चुअल सीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो यहां देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम फील करते हैं। अब हम अलग तरह से करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने हाँ इस क्वेश्चन में ये चीजें यूज किया है। अब देखिए, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है तो 8 हो गया 8 एंड 6 टू 8 वंस अगेन एंड 1 मींस 160 में 160 जो हमारा है वो कॉस्ट प्राइस है और ओवरहेड चार्ज 28 रुपीज है। दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जो दोनों का जोड़ आएगा वही हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, वही हम उसको खरीदने के लिए पे करेंगे। कितना? 188। अब हमारा एक्चुअल सीपी हमें पता चल गया। अब हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 190 है। सेलिंग प्राइस हमारा 190 है। अब देखिए, कोई भी सामान हमने खरीदा है 188 में, 188 रुपए में, और उसको हमने सेल कर दिया, बेच दिया, कितना? 190 में, ज्यादा में बेच रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट ही होगा, ये श्योर है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जब हमें निकालना रहता है तो एफपी माइनस सीपी। एफपी हमारा जो दिया है रुपीज 190 एंड माइनस 188 इज इक्वल टू ओनली 2 रुपीज। ओनली 2 रुपीज का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। Am I right? क्या किया हमने? हमारा कॉस्ट प्राइस 160, ओवरहेड चार्ज 28, दोनों को ऐड कर
दिया 188 आवर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज कंप्लीटली 190. सो प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो एस प्रॉफिट में जो फार्मूला लगता है वो एसपी माइनस सीपी लगता है, और लॉस में जो फार्मूला लगता है वो सीपी माइनस एसपी लगता है. ये तो आप पहले से ही जानते हैं. गुड, तो अब इस तरीके से हमारा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए रूपीज 3000 हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 3000 रुपीस है, और जो ओवरहेड चार्ज लगा है, जो सर्विस टैक्स लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की हो, तो ये 880 है. इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा रुपीस 3880. अब ये 3880 रुपीस में उसे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितने में, 3200 भाई, खरीद को रहा है 38 में और बेच रहे हैं 32 में, तो क्या होगा, माइनस होगा, लॉस होगा हमारा. तो अब हम यहाँ पे लॉस का फार्मूला लगाएंगे. लॉस का फार्मूला हो जाता है क्या, सीपी माइनस एफपी. क्लियर, सीपी माइनस एफपी, और सीपी हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, 3880 माइनस रुपीज 3200. अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 680. इसमें हम क्या करेंगे, 3880 से अगर हम 3200 माइनस कर देंगे तो 680 रुपीज का क्या होगा, लॉस हो गया, क्योंकि जितना हमारा सीपी है उससे बहुत कम हमारा एसपी है. और प्रॉफिट होने के लिए हमारा एसपी बड़ा होना चाहिए, ये याद रखिएगा. प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए हमारा एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. रुपीज 1457 इज योर कॉस्ट प्राइस एंड ओवरहेड चार्ज रुपीज 475. ओवरहेड चार्ज 475, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ओवरहेड जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 7, 5, 12, 2, 1 carry, 7, 5, 1, 13, 3, 1 carry, 4, 4, 8 and 1, 9 and 1. क्या हो गया, एक्चुअल सीपी जो हो गया 1932. एक्चुअल जो सीपी है वो क्या है, 1932 है, और इसमें से हमारा एसपी जो है वो 1500 बहुत कम है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो गया है. क्योंकि यहां देखेंगे सीपी से हमारा एसपी जो है वो कम है, छोटा है. इसमें सीपी जो 1900 है और एसपी जो है वो 1500 है, तो यहां भी मेरे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारा देखिए सीपी हमारा बड़ा है, तो पहले लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू, सीपी का वैल्यू दिया है रुपीज 1932 माइनस रुपीज 1500. आसान है, अब इसका हम इसमें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 432 रुपीज 432. ये हमारा हो गया लॉस. क्लियर है. एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 21,700 दिया है, एंड ओवरहेड चार्ज जो है वो क्या दिया है, 2500. ओवरहेड चार्ज जो दिया है 2500 दिया हुआ है, तो एक्चुअल जो हमारा सीपी होगा वो कास्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को हम क्या करेंगे, एक बार फिर ऐड कर लेंगे. तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं, 0 0 0 0 7 5 12 2
One carry, 1, 2, 3, and 1, 4, and 2 once again. 24,200 है. देखिए, FP हमारा जो है 24,200 है और CP जो है 24,000 है. यहाँ भी क्या हो रहा है? 200 का लॉस हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे 24,200 में खरीदा है और 24,000 में उसको सेल ही कर दे रहे हैं, बेच ही दे रहे हैं. तो क्या होगा? लॉस हो रहा है. तो यहाँ अगर फिर से लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एफपी. सीपी जो दिया हुआ है 24,200 एंड माइनस 24,000, ओके, इज इक्वल टू 200. इज इक्वल टू 200 हमारा जो हो गया वो क्या हो गया? इसका लॉस हो गया. यानी पहले क्वेश्चन में, पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सब में हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. बट आज की इस वीडियो में हमने दो चीज नया देखा है, क्या? एक्चुअल सीपी, ओवरहेड चार्ज. अभी तक हमने कॉस्ट प्राइस देखा था, सेलिंग प्राइस देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस देखा था. लेकिन ये दो चीजें जो आ गए हैं वो नया है, और क्या है वो आपने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है. एक्चुअल क्या है? एक्चुअल सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को जोड़ के होता है. जब कोई भी आप सामान खरीदने जाएंगे तो उसमें देखेंगे सारे टैक्सेस उसमें ऐड किए रहते हैं, और लास्ट में लिखेंगे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो उसकी एमआरपी को चेक करेंगे तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस, सभी टैक्स लगा करके उसके दाम को लगाया रहता है. तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालना है ये देखा है. इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.